करमजीत अनमोल जी एंड आर ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, सत श्री अकाल सर जी, हिमांशु खुराना, सारा गुरपाल, तन्नू गरेवाल, मुनीश सानी जी, रघुवीर बोली जी, आई हुई सारी स्टार कास्ट का बहुत बहुत स्वागत है। As we know, Humble Motion Pictures, OMG Star Studios and Pooja Entertainment मिलके एक तमाकेदार फिल्म चढ़ी है लेके आ रहे हैं सारे सब दिली। एक मल्टी स्टार फिल्म में इतना सानू पता सी, लेकिन स्टार कास्ट यानी बड़ी है इस गादा अंदाजा सानू नहीं सी। ते जितना से ट्रेलर नो वेट के हैं, वेट रहे हैं, उन्हें दिल कर रहा है कि जल्दी फिल्म चढ़ी है रिलीज हो गई, ताकि ये सस्पेंस जरा खत्म हो सके कि फाइनली गिरधारी लाल ने आई लव यू टू किनू किया है। तो सबसे पहले तो मैं पूरी स्टार कास्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड एज वी नो कि ट्रेलर नो गाने नो बड़ा अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है, जोरदार तालियां हो जाने पर। एनी सोनी फिल्म जड़ी है रिलीज होने वाली है। मैं एनी सोनी फिल्म इसलिए कह रही हूं क्योंकि एनी सोनी सोनी स्टार कास्ट है, तो फिल्म तो अपने आप सोनी होगी अगर किसी नु बाय चांस एक अद्धा रोल नहीं भी पसंद आता है। लेकिन स्क्रीन पे इतने स्टार्स होंगे तो किनु किनु इग्नोर करिए। हर किसी के फैंस इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म रिलीज हो गई थी, असं फटाफट थिएटर से भी जाइए। मैंने पता तो सब बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर को तो लैके आ रहे हो, कदों लैके आ रहे हो। सो क्रिसमस से गिरधारी लाल जी आ रहे हैं कैप्टन ऑफ द शिप। ऑफकोर्स सैट से यह जिन्हें ज्यादा एक्टिव रेंगे ने उन्हें ही प्रमोशन से भी एक्टिव रेंगे ने, तो यही वजह है कि फिल्मों का फैंस इंतजार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन एक सवाल है, पिछली बॉन्डिंग फिल्म के जो थोड़ा हीरोइन नहीं मिली, इस फिल्म चट्ठिया सात हीरोइन, मतलब सारा पिछला बदला पूरा कर लिया से नीचे हो। लाइट्स ऑन कर दी जान प्लीज। चेक एक्चुअली मैनु हिसाब नहीं सी क्योंकि मैं माइकां दा काम करदा नहीं ना रहा ते सासी गाली पहला तो सारे जी हैं बिल्कुल जी, क्योंकि जिहड़ा वार्निंग च करैक्टर सीगा वो बहुत अलग सीगा जी। गिरधारी लाल बहुत ही डिफरेंट करैक्टर है जी, बड़ा सच्चा जहा करैक्टर आ, पिंडां च कह दिंदे आ कि बुक करैक्टर आ, इहनूं हिसाब नहीं गा बोलण दा, पर जो बोलदा दिल तों ही बोलदा वा, है ना। तो उस तरह का करैक्टर आ, तो कुड़ी लभ रहा अपने लिए, जिहड़ी लभदी आ उहदे नाल ही प्यार हो जांदा, है ना, उस तरह की कहानी आ जी। जी जी, तो फिल्म के नाल बड़े जड़े नाम ने वह भी वायरल हो रहे हैं। गिरधारी लाल नॉर्मली पिंड च लगता से पुराना जहा नाम है, हूँ मैंने लगता पिंड जिन्हें गिरधारी लाल है सबू फेमस करता है। कुलजीता है तो लगता पुराने नाम है, हूँ जिनी कुलजीता ने सबू फेमस कर दिता है। हूँ तो हम प्रिंट भी हूँ तो यह भी वायरल हो रहा है, कुड़ी किसी कपड़े के किसी रंग करैक्ट कर दिया वर्गी लग गई है। सो हिमांशु मैम तो मैं पूछना चाहूंगी, मैम किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? पहले तो सारे नूं बहुत बहुत थैंक यू तुसी आए सारे जने सानूं मिलन वास्ते। दूसरा सैट दे उत्ते ना बड़ा ज़्यादा मैं बहुत घबराई हुई सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं गिप्पी जी नूं पहले ही सैट ते कहता सीगा कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होएगा एज अ फिल्म फिल्म दे उत्ते काम करन दा, तो मैनूं किते भी थानूं लग्या कि मैं गलत कर रही हाँ तो तुसी मैनूं प्लीज़ गाइड कर दिओ। ते सैट दे उत्ते उन्होंने उदां ही गाइड किया और उवें ही, और मैं पता ही नहीं चलिया की होया सैट ते किदां होया किवें शूट खत्म होया कुछ, मतलब मेरी मैमरी चो ही वॉश हो गया क्योंकि उन्होंने इन्ना ईजी टू गो सीगा सब शूट करना। और बड़ा सब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंडेबल चीज़ जो मैं सारे नूं दस देना चाहती हाँ कि इन्ने आर्टिस्ट और उन्होंने इन्ना टाइम मैनेज करना और उन्होंने डेट्स तो लैके उन्होंने एक भी दिन मतलब वेस्ट नहीं, एक भी घंटा वेस्ट नहीं, टाइम मैनेजमेंट ये पिछे जो टीम वर्क कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल सीगा, वो बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ पर वर्क किया गया सीगा कि इस शूट नू जल्दी किवें फिनिश करना है
टाइम के नाल किवें करना है। और गिप्पी जी ऑलरेडी दो जॉब्स कर रहे थे, तुसीं देख सकते हो स्क्रीन प्रेजेंस सब तो ज़्यादा इन्हां दी है, और भज के आके फिर स्क्रीन दे उत्ते अपना सीन देखना। सो मतलब ये ऑफ कैमरा बहुत मेहनत वाली, मे बी शायद देखने थानूं सिंपल लगेगी बट ऑफ कैमरा बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा सी। जी जी राइट, वो तो असीं मेकिंग दे विच वेख ही लिया कि किन्नी मेहनत सर्वर लोग कीती गई, पूरी स्टार कास्ट ने किन्नी ज़्यादा सपोर्टिवली अपना हर सीन किया। सो गुरप्रीत कर्गी सर जी साडे नाल मौजूद ने। सर नॉर्मली अपना थोड़ा वेखते हैं जो लोग इमेजिन करते कि गुरप्रीत कर्गी जी किसी फिल्म में होगी, ओके कॉमेडी होगी पंच होगा, लेकिन इतने साडा हसदा खेडदा मुंडा उन्होंने तुम पैर ही लवाता है, मतलब फिल्म के जो थोड़ा किरदार है देखने लग रहा है कि अड़प जहा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा जहा इलैबोरेट करो कि किरदार किस तरह देखने को मिलेगा। गिप्पी मेरा छोटा भरा है, उदा कभी इन्हें पैरियां थलाया नहीं, मैं फिल्म चलवा लिया। पर देखो फिल्म के भी जिन्ना करैक्टर है ना किरदार लीला उत्थे जाके मैं वह चीज़ याद आती, जो एक गुरबाणी का कोट है और जिंदगी चीज़ा साढ़े बहुत काम आदि, फिल्म भी एक जरिया होंगे लोगों को मैसेज देने का। गुरबाणी का कोट है कि नवे सो गौरा होए, जिन्हों झुकना आ गया, जिन्हों लिफना आ गया, जिन्हों झुक के चलना आ गया, उ जिंदगी के घोड़े से शाह सवार बन के सफर कर सकता। वो करैक्टर जोड़ा ना गिरधारी लाल बड़ा जिदा दसिया बुग जहा करैक्टर पोर्ट्रे किया फिल्म के, बड़ा सिंपल सधारण पिंड का एक अलड़ जहा नौजवान, बट एक मोमेंट पर जाके जी मनामोही सैल्फ रिस्पैक्ट अंदर दिसदी है ना, वो बहुत वड्डी चीज़। उस एक पर्टिकुलर सीन च पता लगता कि अंदरों हर बंदा उस समाज के किसी भी पहलू ते होवे, किसी मकाम ते खड़ा होवे, वो फर्श ते है, वो अर्श ते है, पर हर बंदे दे अंदर एक चीज़ जरूर जिंदा होती है, वो होंदी सैल्फ रिस्पैक्ट। वो कदे उन साबित कर पाता है, कदे नहीं, कदे बाहर प्रूव कर पाता है, कदे नहीं कर पाता, पर वो एक हर बंदे दे अंदर होंदी है, दुनिया के हर जिंदा इंसान च एक सैल्फ रिस्पैक्ट होंदी है। उस पर्टिकुलर सीन दे विच वो जिहड़ी सैल्फ रिस्पैक्ट गिरधारी दी जागदी है और वो रिवोल्ट करना चाहता, पर फिर अपने परिवार की खातर, अपनी भैन की खातर, अपने जिया की खातर, अपने घर की इज्जत की खातर वो जो झुकता है ना, मेरे ख्याल में दैट वुड बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ द मूवी, जो सीन उन्होंने देखा। सो गिरधारी लाल एक कोई बुक करैक्टर नहीं है, वो समाज के एक सादे देसी इंसान रिप्रजेंट कर रहा है। असी एक आम सधारण इंसान जिंदगी किवें लें, जब तक वो अपनी कोई खूबी साबित ना कर दे, जब तक अपने आप को तुहाडे तो वड्डा ना साबित कर दे, असी उदों तक उन्हें वड्डा ही नहीं समझते। साडी प्रॉब्लम ही है, असी वड्डा ही उन्होंने समझते जिहड़ा साडी धौण ते गोडा रख लैंदा, जिहड़ा बंदा शरीफ है असी उन्हें समझते कि बुक है। सो ये उस करैक्टर की रिप्रजेंटेशन है गिरधारी लाल। गिरधारी लाल एक सीधी सादी जिंदगी जीन का शौकीन आदमी है, जिहड़ियां सतरां चा सारे अंदर हैगे ने, पर वो मलंग है, मौला फकीर आदमी है। सो उस करैक्टर नूं गिप्पी ने इन्ना सोहना पोर्ट्रे किया, इहदे विच इन्ना सोहना परफॉर्म किया। मैं क्योंकि असी डे वन तो इकट्ठे काम कर रहे हैं, मैं गिप्पी दे इहदी ग्रोथ नूं देखिया, जिदा जिदा इन्हें अपने आप नूं ग्रूम किया, जिदा जिदा अपने आप नूं इन्होंने निखारिया साडी फिल्मां दे विच परफॉर्मेंस, ये मेरे ख्याल नाल गिप्पी दा नैक्सट लैवल होएगा परफॉर्मेंस का। क्योंकि मैं एक्टर हाँ, मैं स्टेज की, मैं थिएटर किया, फिल्म इंडिया की, मैं तो करमजीत असं इस चीज़ में महसूस कर सकते हैं कि तुहानू ये करैक्टर करने वास्ते गिप्पी तो बाहर आना पड़ेगा, उस शैल चो बाहर निकल के परफॉर्म करना पड़ेगा, विच ही डिड सो वैल। एक करे तालियां गिप्पी होने वास्ते, क्योंकि एक्टर इस चीज़ के फर्क न समझ सकता है कि जो मैं ना लगा वो करैक्टर लगे। मोस्टली फिल्मों के हीरो वो ही लगता हूँ जो वह नाम हूँ, गिप्पी गरेवाल तो गिप्पी गरेवाल है, दिलजीत है दिलजीत है, पर कुछ करैक्टर ऐसे आते हैं जो तुम अपने चो बाहर निकल के परफॉर्म करने पैदे। और गिप्पी ने किया, मैं बहुत बहुत मुबारक देना और गुड विशेज देना गिप्पी उन्होंने फ्यूचर वास्ते, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो करमजीत अनमोल सर साढ़े नाल मौजूद ने। असी हुणे इंस्टाग्राम ते एक रील वेखी सी तुसीं जिहड़े बना रहे सी राज तालीवाल मैम दे नाल, ते गिप्पी सर उत्थे भी दस रहे सी कि इस तरह आपां नूं होर इंप्रोवाइज कर सकदे आ, तां तुहाडी बॉन्डिंग जिहड़ी है ना हमेशा ऑफसेट ऑनसेट वेखण नूं मिलदी है। ते गुरप्रीत कर्गी गिप्पी गरेवाल करमजीत अनमोल ए तिन नाम जदों किसी फिल्म दे नाल जुड़ जाणा तां तैयार हुंदे लोक कि जदों असीं थिएटर तों बाद आवांगे लाल हो गए साडी गल्लां हस हस के जिहड़ा मूंह दुख रहा हुंदा। सो तुहाडा एक्सपीरियंस किस तरह दा रहिंदा हर बार सेट ते, इस बार की वखरा सीगा?
बहुत वधिया रहिंदा जी हमेशा। हाँ हाँ वधिया देखो ये बंदा बदनाम करते रहिंदा हाय हाय। और असी अज तो नहीं फिल्मा बनाउण तो पहला भी असी काफी कट्ठे रहे हैं भाजी उन्हां नूं दे नाल भी कम किया इन्हां दी रहनुमाई हेठ भी कम किया जो असं हंसते सौंदे रहो करते बहुत कुछ सीखा भाजी उन्हां तों। सो माड़ी जी भी कोई परफॉर्मेंस दे विच कोई ढिल हुंदी सी तां बड़े बखूबी तरीके दे नाल उन्हां नूं दसदे सी कि वी इहनूं थोड़ा होर ठीक कर सकदे हो। और बाकी जदों दे फिल्मां च आया असी कट्ठे ही हां और बहुत वधिया एक दूजे नूं कॉम्पलीमेंट भी करते हैं। सो कई फिल्मां ने जिहड़ियां बहुत आउट एंड आउट कॉमेडी है। सो यह फिल्म भी उन्होंने एक है और ये यह है कि जिमें भाजी ने कहा कि गिप्पी गिप्पी नहीं लगता गिप्पी वो गिरधारी लाल ही लगता और बहुत सोहना परफॉर्म किया और पूरी टीम की एफर्ट है। ताश के पत्ते 52 होंगे तो 52 ही कलाकार है। सो सारे कलाकार मंजे हुए कलाकार ने सारे बोली का हासा देखोगे तुम ये अजीब किस्म का बड़ा हासा होगा वह हसद तो बाकी सारिया हीरोइना बैठी हैं एक हीरोइन मेरे हिस्से भी आई हुई है नाल बैठाई अच्छे। सो बहुत वधिया फिल्म है जी जो देखोगे तो बहुत मजा होगा। थैंक यू जी। सारे इंतजार कर रहे हैं 17 दिसंबर का जो फिल्म होगी रिलीज से साढ़े नाल अक्षिता मैम भी मौजूद ने जिन्होंने इस फिल्म के करमजीत सर की वाइफ का किरदार निभाया। नॉर्मली सैट से जो इन्ना ज्यादा हादसा पै रहा तो कोई सीरियस सीन देना भी औखा हो जाता है लेकिन जो तुम कोई भी सीन करते मतलब आस पास जो है पहला तो भाई थोड़ा नॉर्मल माहौल करो उस तो बाद में सीन करो क्योंकि नॉर्मली होंगे कि जो सैट से कहते अगर करमजीत अनमोल भाजी ना लेना सीन करना औखा रहना उन्होंने हसाते रहना गुरप्रीत घुग्गी ना उन्होंने हसाते रहना। सो तुहाडा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा उस सैट? बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा हसाते तो रहेंगे हमने भी हसाते रहेंगे सैट पर भी हसाते रहेंगे बट जो कैमरा रोल हो जाता एक्शन हो जाता सारे अपने करैक्टर च पहुँच जाते हैं तो जो असी करना है वह असी करते हैं हसता खेडा ऑफ कैमरा असी चलता रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वधिया सीगा मेरी फर्स्ट फिल्म है हंबल पिक्चर्स नाल तो थोड़ा जिहा डर मैनू भी सीगा क्योंकि बहुत वड्डा नाम है फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही सी तो बट इन्ना फैमिलियर माहौल सीगा सारे ने गिप्पी सर सारी इन्हां दी टीम सारे ने इन्ना मतलब साथ दिता कोऑपरेट किया कदे भी कोई प्रॉब्लम आती सी कोऑपरेट करते सीगे तो सैट ते सानू सीरियसली पता नहीं लग्या कदों शूट खत्म हो गई है। तो यह मूवी का मैं जो एक्सपीरियंस किया सब तो वधिया गल मैं ये लग गई कि कई बार असी कई छोटा बंदा हुंदा है असी उहदी ना गल इन्नी सीरियस लैंदे नहीं है असी सोचते नहीं है कि वह कोई चंगी गल कह सकता या चंगी गल बोल सकता है बट किसी नूं भी छोटा नहीं समझना चाहिए किसी नूं मतलब वो ध्यान देना चाहिए वो गल च कई बार छोटा बंदा भी कोई इदा की गल कह जाता जिड़ी थोड़ा बहुत कुछ सिखा जाती है थोड़े दिल च लग जाती है। तो मैं लगता सारे इस मूवी चो यही मैसेज मिलेगा कि किसी नूं अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। पाना सर भी साढ़े नाल मौजूद ने हंबल मोशन पिक्चर्स जिस तरह मैम ने दसिया कि एक वड्डा नाम है हर किसी का सपना होंगे कि असं इस ब्रांड के नाल जुड़िए कोई छोटा मोटा किरदार ही कर लीए लेकिन तुम एक ही फिल्म के इन्ने स्टार्स जड़े ने एड ऑन किए ने एड्डी वड्डी जिम्मेवारी अपने मोढ़िया से लीती है। सो हूँ फाइनली फिल्म खत्म हो चुकी है हूँ तुम अपना एक्सपीरियंस दस सकते हो किन्ने किन्ना दुखी किया किन्ने किन्ना सुखी किया। सत श्री अकाल जी सारे जी आयो हंबल मोशन पिक्चर से हंबल म्यूजिकल धन्यवाद सारे जिदा कि तुम हमेशा साड़िया फिल्मों प्यार दें उम्मीद है कि इन भी इदा दवोंगे तो मेरे चित्र भंगड़ा पाने का रोल आया जी वो तुम देख लो थिएटर से जाके मैं कि वधिया भंगड़ा पाने थैंक यू तुहाडा सारे का जी। थैंक यू सो मच सर। सानू भी खुशी है कि हम फाइनली असीं तुहानू स्क्रीन पर भी वेखांगे कई बार ना छोटे मोटे रोल ही कॉपी होए तो और पता लगे हर विआह च उदा दा ही भंगड़ा पै रहा फिर थोड़ा अगे फिर उदा दा भंगड़ा पाना पेगा अगली फिल्म च। सो साड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से साढ़े को मौजूद ने सारा गुरपाल जी असं मेकिंग वेखिया तो दस रहे हो अपने किरदार बारे नॉर्मली होंगे कि फिल्म के एक हीरोइन होंगी तो असं डिसाइड कर लेने मॉडर्न होगी या पेंडू होगी या इस तरह चलाक होगी पौड़ी होगी लेकिन तुम जो इस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दी गई थी तो सब तो पहले तुम की दस रही है किरदार किस तरह का होगा? सब तो पहले सारे सत श्री अकाल थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग। जो मैं इस करैक्टर बारे या फिल्म बारे जो मेरे फोन आया तो गल हुई पहली गल मैं कभी सोचती नहीं जो मैं हंबल ना काम करना मैं बहुत ज़्यादा सोच के नहीं करती मैं दूजी बार काम कर रही हाँ आई बिलीव पंजाब दे विच जे मैं देखा है कि सब चीज़ टाइमली है सब की प्रॉपर रिस्पैक्ट आ सब के टाइम के रिस्पैक्ट आ वो एक्चुअली हंबल दे सैट पे आ
किसी का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होंगे। मैं याद आ कि जे थोड़ा इन्ना क सीन आ छोटा जा ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੰਬਲ ਦੇ ਸੈਟ 'ਤੇ ਆ ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਇਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ इस मूवी के बारे जो क्योंकि देवर सो मेनी हीरोइनस तो बहुत स्टारकास्ट बहुत उदा सी बहुत डी सी सो मैं इस चीज़ में श्योर सी कि हर किसी को प्रजेंट बहुत ब्यूटीफुल तरीके किया जाऊगा जो कि किया गया सो मैं बहुत थैंकफुल हाँ गिप्पी सर का हंबल म्यूजिक हंबल मूवीज हर किसी का सबनों थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस मूवी थैंक यू जी जी जो भी गिप्पी सर की तारीफा होंगे ने तो सारे यही कहते हैं ही इज़ वेरी हंबल ही इज़ वेरी हंबल That's why company name is Humble. So तारीफ तो करनी पड़ती है तेनू गरवाल मैम जी साडे नाल मौजूद ने नॉर्मली तो कुलजीता ने जो चिट्टा सूट हूं तक असं वेख्या स्क्रीन पर लेकिन कुलजीता की मुस्कान उन्होंने बड़ा कलरफुल बना रही है सो की कहना चाहोगे अपने किरदार बारे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नू सत श्री अकाल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे ये मेरी पहली फिल्म आ सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पैशल आ ते मैं सारे तो बहुत कुछ सीखा सो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस सीगा ओवर एनीथिंग हर दिन सेट ते मैं कुछ ना कुछ नवा सीखा ते इन्ने वधिया इन्ने वड्डे स्टार कैस्ट नाल काम कीता तो सो सारे नूं मिलके बहुत वधिया लग्या ते कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलिया बाकी मैनू मेरा कैरेक्टर बहुत वधिया लग्या फिल्म दे विच ते आई होप सारे जाने मेरे कैरेक्टर नूं प्यार देंगे ते सारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म आ इन देयर ओन वे सारे दे लिए एक इट वाज अ पॉजिटिव चैलेंज फॉर एवरीबॉडी टू प्ले अ रोल इन दिस फिल्म सो या बहुत ही अच्छी फिल्म आ ते सारे जाने जरूर देखे जाए दिसंबर 17 शाबनी के तारीख थैंक यू थैंक यू इन्हें प्यार नाल रिक्वेस्ट की मैं लगा एक दिन पहले ही ना पहुँच जाने कुलजीता नूं वेखना ओके सो रघुवीर बोली जी भी साडे नाल मौजूद ने इन्होंने पहले ही दस दिता कि तुहाडा हासे दे विच बड़ा डिफरेंट जिहा है सत श्रीकाल जी पहला सारे जी आए तो जिमें कि भाई हरा दसागा फिल्म बारे करैक्टर बारे तो मेरा जोड़ा मेरे हिस्से करैक्टर आया गा वो हैगा रूड़े भंगी का चार भरा ने सब तो छोटा है तो जिदा भंगी का होंगे गा फिल्म अपना पिंडा करैक्टर देखा सी जिन्ना ओबजर्व करते हैं कि जे जो भंग पी लें तो हसते तो हसी जाते हैं रोंद रोई जाते हैं तो जे डरते तो डरी जाते हैं जिधर नूं नशा ला लाता उधर ही हो जाता तो यह भी उदा का करैक्टर है जो बैठा अपने सरूर च जिदा जो आम भी बैठा तो वह एक पैट जहा रखा है करैक्टर का टोन जी जी चलती रही है वो जो रोंदा उदो भी आई वो कहते ना तेरा रोंद का पता लगता ना हास देता सो ये करैक्टर उस तरीके बाई होर ने इन्ना सोहना करवाया गा जिन्ना आप मेहनत कर सकते सोना किया बाकी दर्शक देख के दसेंगे तो मतलब सारे तो छोटा गा तो करैक्ट फिल्मों के भी छोटा तो उदा भी छोटा भाजी हुई बैठे ने साडे ये तो साडे वो मैं कहना नवी अध्यापक ने गए जिन्होंने साडे लिए पत्थरे किए ने राह जिहड़े रोड़े पखड़े सीगे चाके पासे करते कहिंदे आओ बच्चे लो नियारे सो थैंक यू भाई होर काम करके हमेशा वधिया लगता कलेजे तो लैके रूड़े भंगी तक का सफर भाई होर ऑफसैट भी बहुत वधिया लव यू सारयां नूं फिल्म जरूर देख के अपने रिव्यू दिओ थैंक यू ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਤੋਂ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਪਰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ नमस्कार जी इस फिल्म के कंफ्यूज हाँ सत्त हीरो ने इधे नाम और नशा क्यों
ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਅਰਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਨੀ ਅੱਜ ਨੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਘਰੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਗ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਸੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ? ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾ ਲਿਓ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਫਿਲਮ 5-4 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਜਗਾਇਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ No, this is my first movie. Yes, but for me, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ 19 ਜਾਂ 20 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਸੈੱਟ ਦਾ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੜਕਣੀ ਹੈ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫੈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਗੀ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿੱਪੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੈਸ, ਵਾਸਟ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬਜਟ ਐਂਡ
प्रॉपर हर तरीके नो मैनेज करके बनती है हुन फिल्मां दे विच किसी तरह की घाट नहीं हैगी थैंक यू नहीं है एक्चुअली ये जरूरी नहीं है मैं कभी भी ये कोशिश नहीं की थी कि ट्रेलर दे विच सारे बंदे नो पावां या सारे नो नहीं पावां कई बारी बंदे नहीं पैंदे हैगे कई बारी वो चीज़ फिट नहीं होती हैगी कई बंदियां दे इस ट्रेलर दे विच नहीं डायलॉग हैगे है ना तो मैं ये भी नहीं सोच के करता कि इहदी फुटेज इन्नी रखीए जां इहदा डायलॉग इन्ना रखीए क्योंकि मैं जो जो फिल्म बनाने जो करैक्टर आप किसी को सुनाने आपूं डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने सुनाया उस तो बैटर बनाया जाए क्योंकि जो मैं अज किसी एक्टर को लिया वा घुगी भाजी को लिया मैं इन्होंने वेस्ट क्यों करूँगा हिमांशी को लिया मैं क्यों वेस्ट करूँगा मैं ये होगा कि मैं इन्हों बेस्ट तो बेस्ट तरीके यूज करा क्योंकि नैक्सट टाइम जो अं इन्हों कॉल करिए कहने यार 100% यही करना सो ट्रेलर के लिए इंपोर्टेंट क्या होता कि ट्रेलर वधिया हो सो वो चीज़ इंपोर्टेंट नहीं होता भी कौन किन्ना है कौन नहीं बट हाँ फिल्म इदा दी है ऑलमोस्ट ये ट्रेलर च सारे बंदे ही प्रेजेंटली दिखे हाँ जी सो बनया उदा का ट्रेलर शूटिंग कितने से जी शूटिंग पंजाब दे विच सी जी क्योंकि फिल्म वंड तो पहला दी 47 तो पहला दी फिल्म दिखाई गई है तो सारे सैट बनाने पे जी कोई रियल लोकेशन नहीं है सारी फिल्म सैटा के उत्ते शूट हुई है दो तीन सैट बिल्कुल नवे क्रिएट किए गए थे कुछ पुराने से उन्होंने अमेंडमेंट्स करके उन्होंने भन तोड़ करके चीज़ा बनाई गई सो सारी अराउंड चंडीगढ़ ही की है जी